आप इस कैसे हो गई है अच्छा लोग फ्रेंड्स कैसे सारे उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत से होंगे अल्लाह सबको को अपने हफ्जा मान में रखे हर मुश्किल से बचाए और सबकी दिली हाजत पूरी करें चलें जी हम अब जा रहे हैं बीच कराची का मौसम है बहुत अच्छा पंजाब की नीब यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है हवा चल रही है धूप है लेकिन इतनी तेज़ नहीं है जैसे कि हफ्स पंजाब में ये रुमान और हरीफामा नीचे रहे हैं अब मेरी बारी मैं भी झूलने लगी हूँ ठीक है और बताइए आप लोग सब क्या कर रहे हैं और किसके मौसम में किसके शहर में सॉरी किस किस्म का मौसम हो रहा है चले जी हम चलते हैं बीच की तरफ क्योंकि बच्चों ने ज़िद की हुई है कराची की एक बात यह है कि कराची में फ़्लैट सिस्टम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर फ्लैट्स में लोग रहते हैं मजॉर्टी पीपल जो है वो फ्लैट्स में रहते हैं यहाँ पर यह कि छोटे से छोटा भी तबका जो है वो आराम से इजीली एक फ्लैट अफोर्ड कर सकते चाहे वो रेंट का हो चाहे वो अपना ले लें लेकिन ये कि अफोर्डेबल है रेंट फ़्लैट्स uh, कुछ छोटे होते, होते हैं कुछ बड़े होते हैं कुछ बहुत बड़े होते हैं कुछ बहुत लग्जरी फ़्लैट्स होते हैं, हैं फर्निश फ्लैट भी यहाँ पे मिल जाते हैं लेकिन ये अच्छा सिस्टम है कि आपको नहीं, नहीं। वरना आप ख़ुद पहले ज़मीन परचेज करो फिर घर बनाओ फिर उसमें मुश्किल होती है समटाइम्स आपके पास इतनी नहीं होती कि आप ज़मीन लो और घर बनाओ ये हम जी सी वी पहुँच गए हैं ये फोटीन अगस्त पे यहाँ परचम जो लहराया गया था जो भी मौसम हो गर्मी हो शद गर्मी हो सर्दी हो सी वी यू पर हमेशा ही रश रहता है सी व्यू पर क्योंकि काम हो रहा है यहाँ पे लाइट्स लग रही हैं प्लांट्स प्लांटिंग हो रही है तो इस साइड पे सरा मट्टी मट्टी बहुत ज़्यादा पे है बिल्कुल हम सी के मेन हिस्से में नहीं गए क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्स्ट्रॉडनरी रश था बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे तो हमने प्रेफर किया हम इस साइड पर जाते हैं यहाँ पर काम हो रहा है इसलिए ज़रा पानी में भी रेत रेत है और इस मौसम में थोड़ी मिट्टी जो सेवियों का पानी होता है वो थोड़ा होता है रेतीला होता है ये देखें जी सूरज भी तकरीबन थोड़ी देर में गरीब हो जाएगा ज्यान हरीफ आत्मा इब्राहिम रोमांस ये सब गए हुए पानी में बाबास के साथ और ज्यान साहब जो है वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं उसको पानी वैसे ही बहुत पसंद है वो घर में भी वॉशरूम में जाता है तो वो निकलता ही नहीं है उसको ज़बरदस्ती कह कह के निकालना पड़ता है फिर ये तकरीबन वन आवर उसको छोड़ना पड़ता है कि जब वो खुद सेटिसफाई हो जाए पानी से फिर उसको फिर शावर दे फिर बस को बायर ले आती हूँ वरना वो नहीं निकलता है बिल्कुल से भी जैसे जैसे शाम होती है यहाँ पे लहरें तेज़ होती जाती हैं हवा भी तेज़ होती जाती है लहरें भी हो जाती है बच्चे क्योंकि पानी में गए हुए होते गीले हो रहे होते हैं कपड़े भी गीले हो रहे होते हैं तो वो उनको सर्दी लगना शुरू हो जाती है लेकिन बच्चे जो है वह बाहर आने का नाम नहीं लेते और यही ज्यान की है ज्यादान तो वैसे ही इतना एक्साइटेड है कुछ सिपियाँ भी मेरी नज़र आई थी तो मैंने कुछ सिपियाँ जो है जमा कर ली लेकिन हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी कि मैं ढेर सारी कलेक्ट करती हूँ ये देखें जी सूरज गरूब हो रहा है कितना प्यारा मंजर आ रहा है पीछे आपको जो वो क्रेन से नज़र आ रही है वहाँ पर कंटेनर्स जो होते हैं वो अनलोड होते हैं जब कंटेनर वाला शिप आता है तो वहाँ पर कंटेनर्स अनलोड होते हैं ज्यान साहब बैठ गए हैं वह मे पानी के साथ साथ रेत को भी बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं अब पता नहीं कब निकल के बाहर आएंगे तो हम लोग घर जाएंगे क्योंकि अब उसको भी ठंड लग रही है लेकिन आ नहीं रहा है और बाकी तीनों तो वो भी नहीं आने का नाम ले रहे काफ़ी लोग आए हुए हैं बल्कि अभी कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग होते हैं वो इस टाइम आना शुरू करते हैं लेकिन मेरे ख्याल से ये टाइम आप वापस घर जाने का होता है आप जब भी आए इस टाइम पे आए कि अब मगरब के वक्त उससे थोड़ी देर पहले घर वापस चले जाएं यही टाइम रहता है बेस्ट शाम के वक्त वेव्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं हवा भी बहुत ठंडी चलने लग जाती है और अच्छा होता है कि क्योंकि जब आप लहर आती है वापस जाती है तो वो पोंग नीचे रेत ले जाती है तो खुदा ना खासा कोई इंसिडेंट होने का खदा होता है तो इसलिए आप एहतियात करें जब भी आए आप बताएं कौन कौन कराची आया हुआ और किस यानी कि और कौन कौन लोग जो कराची में ही रहते हैं ठीक है अब हम बच्चों को बुला रहे हैं कि आ जाएँ और हम फिर घर चले ये ज्यान को लेकर आए जा रहा है ज़बरदस्ती और ज्यान रो रहा है कि मैंने नहीं आना ज्यान को मैं फ्राइडे था फ्राइडे है तो मैं श्रवा कमीज पे के ले आई थी तो लेकिन जान साहब काबू में नहीं आ रहे वो कह रहे मुझे नहीं मुझे ले के ही वो वा जाओ वापस ही वापस वा जाऊँगी देखें कैसे वापस वा भागा 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 पकड़ो भगड़ा पकड़ो पकड़ो पकड़, ज्यान के पकड़ो ज्यान आ जाओ वापस लेकिन ज्यान आने का नाम नहीं रहा पहले चाहे अब हम घर चलते हैं ताकि इनको घर जाके दोबारा शवट ये रेत रेत हो रहे हैं ये देखें आपके मुँह इसके मुंह पर नजर आ रहा होगा ध्यान के मुँह पर कैसे ध्यान चमचम कर रहा है क्योंकि रेत से अभी भी भरे हुए इनके ऊपर पानी इतना डाला है लेकिन ये रेत इनके ऊपर से नहीं हट रही है देखें अब हम घर आ गए अहमद की बर्थडे है आज तो आदा भी केक ले आए के हैं उसको हम सब विश करने लगे हैं और अब अहमद को ला हम ये केक हटवाने लगे हैं या मैंने केक काट लिया है अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे इसके पेपर्स हो रहे हैं इंजीनियरिंग के दुआ करिएगा इसके पेपर्स अच्छे हो जाएँ दुआ में याद रखिएगा अगली वीडियो तक अल्लाह हाफि